नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाया है, क्योंकि मेरा पुराना वीडियो देख के बहुत लोगों की मदद हुई और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और बहुत सारे सवाल आप लोगों के मेरे पर्सनल आईडी पर आए थे, तो इस वीडियो में आपके उन सवालों का, उस कन्फ्यूजन का सोल्यूशन है, उन सवालों का जवाब है। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होता है, यदि आप मेल हैं और फीमेल जैसा फील करते हैं लेकिन अट्रैक्ट भी फीमेल से होते हैं या मेल से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देती है। उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप जाने कि आप क्या हैं, आपका आप गे हैं, लेस्बियन हैं, या आपका जेंडर आइडेंटिटी क्या है, या आप सबको मिक्स कर चुके हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगी सिर्फ दो सवालों से। तो आपको सिर्फ दो सवाल खुद से पूछने हैं, उसका जो जवाब आपको मिलेगा वही आपका सॉल्यूशन है, वही आपका खुद का आंसर होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मैं रिपीट करूंगी वीडियो को, प्लीज़ अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर वही सवाल मुझसे पर्सनल मेल पर पूछते हैं। तो इससे बेटर है आप इसको पूरा देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको पूरा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर में फ़र्क होता है। बायोलॉजिकल सेक्स आपका वो होता है जिस बॉडी में आप पैदा हुए हैं, मेल या फीमेल, जैसे आपके जेनिटल हैं वो आपका सेक्स है, लेकिन जैसा आप महसूस करते हैं मेल या फीमेल बॉडी को छोड़ के, जैसा आप महसूस करते हैं दिमाग से, वो आपका जेंडर है। तो आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका जेंडर डिसाइड करता है। ये बात अगर आपको क्लियर नहीं है और इसमें भी कन्फ्यूजन है, जो लोग नया इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, या आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देखिए और इसको और बेहतर समझिए। तो आपको कन्फ्यूजन इस बात से हो जाता है, उसका जवाब यह है, पहले आप जेंडर आइडेंटिटी को अलग से रखिए और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को अलग रखिए। जेंडर आइडेंटिटी वो है जैसा आप खुद को महसूस करते हैं, लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो है कि आपको किससे सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, मेल फीमेल सबसे, दोनों से, ट्रांसजेंडर से भी, सो वो अलग चीज़ है। तो उसके लिए आप खुद से दो सवाल पूछिए। पहला सवाल ये कि हाउ डू यू वॉन्ट पीपल टू ट्रीट यू, मतलब आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करें। वो आपको फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं तो क्या आपको खुशी होती है, वो आपको फीमेल नाम से बुलाते हैं, किसी लड़की के नाम से, लड़की की तरह बाप से बात करते हैं, लड़की के काम करने का आपको मौका मिलता है और ये सब होता है तो आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब आपकी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल की ही है। लेकिन अगर आपको मेल जैसा ट्रीट करने पर, मेल जैसा ड्रेसअप होने से अच्छा लगता है, वैसे कपड़े पहन के, वैसे बातें करके, मेल फ्रेंड्स बना के, और आप सब आपको मेल की तरह देखें, उसी नाम से पुकारें, तब आपको खुशी मिलती है, तो आपका जेंडर आइडेंटिटी मेल है। तो ये दो अलग चीज़ है। अब बात करते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। तो हो सकता है कि आपका जेंडर मेल हो, मतलब दिमाग से आप मेल जैसा फील करते हैं, लेकिन आप फीमेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मेल और फीमेल दोनों से अट्रैक्ट होते हैं, तो आप बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं, आप होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, आप हेटरोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है और उससे आपकी जेंडर आइडेंटिटी का कोई संबंध नहीं है। वो आप किससे अट्रैक्ट होते हैं, कौन आपको सेक्सुअल पार्टनर अच्छा लगता है, वो बहुत फ्लूइड है और वो चेंज भी होता रहता है। सेक्सुअलिटी इज़ वेरी फ्लूइड, तो आप उस पे इतना ध्यान देके उससे परेशान मत होइए, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा जिस पार्टनर से आप अट्रैक्ट होते हैं, आपको प्यार है, वो अलग चीज़ है और जैसा आपको महसूस होता है वैसा आप रहिए, लेकिन इस बात को क्लियर करिए कि आप कैसा महसूस करते हैं और अपने को एक्सेप्ट करिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके साथ ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अपने को एक्सेप्ट करिए कि आप मेल जैसा फील करते हैं या फीमेल जैसा। और जो लोग इस ऐसी प्रॉब्लम में नहीं है, वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करें। वो आप समझिए कि इतना सिंपलिस्टिक मेल और फीमेल कैटेगरी नहीं होती, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करिए, उनको समझिए, और उनका मजाक उड़ाना और उनको बुली करना ये प्लीज़ मत करिएगा। कोई आपके नज़र में ऐसा है जो जिससे
इसके मदद हो सकती है, उनको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है बहुत लोग इससे उसको इससे अपने को समझ पाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और भी आपके कोई सवाल हैं तो वो मुझे ज़रूर पूछिएगा, और आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।